हे हाय व्हाट्सअप गाइस, मैं अंकित आपसे चलने पर आपको स्वागत करता हूँ। और आज का ब्लॉग जो है यामा R15 V3 बाइक के बाइक कवर पे होने वाला है। तो गाइस, मैंने ये बाइक कवर जो है अमेजोन कंपनी से ऑर्डर किया था और 3 दिन बाद जो है मेरे को ये रिसीव हो गया है। और अब जो है इस बाइक कवर की अपन अनबॉक्सिंग कर लेंगे और इसकी डिटेल्स, इसकी क्वालिटी सब कुछ चेक करेंगे। इसके बाद में जो है इसको बाइक के ऊपर अपन अप्लाई करेंगे और इसकी फिटिंग कैसी आती है R15 V3 के ऊपर, वो सारे टेस्ट अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जुड़े रहें और वीडियो को एंजॉय करें। सो गाइस, प्रोडक्ट जो है इस तरह की पैकिंग के अंदर रिसीव होता है। आप सबसे पहले जो है इस प्रोडक्ट को खोल लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या है, इसके अंदर मटेरियल निकलता है। और ये बाइक कवर जो है मैंने अबॉर्डेबल नाम की कंपनी से ऑर्डर किया था। और कवर का जो मटेरियल है वो पॉलिस्टर का है, कलर जो है ग्रे है। और इसकी प्राइस जो है वो मेरे को 340 का तो अमेज़ॉन पे था। और अमेज़ॉन पे जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो ₹40 एक्स्ट्रा लगे हैं। तो कवर कुछ इस तरह से है, काफ़ी बड़ा लग रहा है। क्वालिटी तो जस्ट ओके ओके है, पॉलिस्टर की क्वालिटी है, बिल्कुल पतला सा है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक काम हो जाएगा इस कवर से। तो काफ़ी हल्की क्वालिटी है इस कवर की, मतलब काफ़ी पतला है। मुझे लगा था कि काफ़ी मोटी क्वालिटी का आएगा। और इसके जो टाके हैं वो सारे खुल रहे हैं, अभी तो सिर्फ अनबॉक्स किया है जिसके अंदर ये टाके खुल रहे हैं, तो थोड़ा सा रफली यूज़ किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब कुल मिला के मेरी तरफ से तो ये अनसेटिस्फाइड मटेरियल मेरे को डिलीवर्ड हुआ है। अभी से टाके खुलने लग गए हैं और कुछ टाइम बाद में ये जो प्लास्टिक होता है कटने लग जाएगा। और इसमें ग्रे कलर की वो लाइंस भी तो होंगी, दिख रही नहीं है क्या? ये तूने उल्टा पकड़ा है कवर शायद। हाँ, ये कवर उल्टा है। ये लाइन ग्रे कलर की कौन सी लाइन है? यही है बस। अच्छा, ये बस ये एक हल्की सी इस पे ग्रे कलर की लाइन आ रही है। मतलब फ़ोटो में जो था ये काफ़ी शानदार लग रहा था, इतना कूल लग रहा था कि यार देखते ही ख़रीद लिया मैंने। लेकिन जब डिलीवर्ड हुआ है तो टोटली इसने मेरे को अनसेटिस्फाई कर दिया है और ये ऑर्डर रिटर्न ही होगा। अब मैं इसको यूज़ तो नहीं करूँगा, लेकिन एक बार इसको बाइक के ऊपर अप्लाई करके देख लेंगे कि इसकी फ़िटिंग कैसी क्या आती है। बाकी ऑर्डर जो है बहुत डिसअपॉइंटेड वाला था। सो ठीक है, इसको अप्लाई करके देखते हैं बाइक पे कि कैसी कैसी की फिटिंग आती है। मैं बाइक के ऊपर हम इस कवर को अप्लाई करके देख लेते हैं कि इसकी फिटिंग कैसी आती है इस बाइक कवर के ऊपर, ताकि तुम लोग अगर सस्ते में अगर कवर ख़रीदो ये वाला तो इसकी फ़िटिंग क्या है और क्या नहीं वो तो एक आइडिया पड़ ही जाएगा। और वैसे तो क्वालिटी काफ़ी वर्स्ट है इसकी, मतलब टोटली डिस्गस्टिंग है, इसके टाके खुल रहे हैं, लेकिन फिटिंग परफेक्टली आ गई है। मास्क भी ज़्यादा डैम वो नहीं हो रहा है और पूरी गाड़ी कवर हो गई है इससे, फिटिंग तो अच्छी आई है इसकी। अब मैंने जो है इसके मिरर फोल्ड कर रखे थे इसलिए वो ऐसे रहेगा, वरना मिरर हम उसमें डाल सकते हैं। फिटिंग कैसी है इसकी? सही है ना? आगे से भी ठीक है, पूरी ढक गई है। और अच्छा, ये इसके मिरर खोलने के बाद ऐसी फिटिंग आएगी इसकी। पहुंच नहीं रहा है मिरर क्या तक। अच्छा, टाइट हो गया पीछे से ऐसा। और इसके ये टांके भी खुल रहे हैं, टांके खुल रहे हैं इसके तो पूरे। ठीक है, ऐसा फिटिंग तो टोटली ब्रॉस्ट क्वालिटी का कवर था।